हेलो स्टूडेंट्स, जो एसबीआई के चार सेंटर थे जहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उन चार सेंटर्स का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो एडमिट कार्ड अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं, 17 मतलब आज से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ का एग्जाम 25 अगस्त को भी है, तो बिल्कुल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। जिनका मतलब एग्जाम नहीं हो पाया था, चार सेंटर जो थे रिमेनिंग सेंटर, उन सेंटर्स का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उनका एग्जाम है। और अगस्त में जब उनका एग्जाम हो रहा है तो बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपका जो मेंस का एग्जाम है सितंबर में होना ही होना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। तो मेंस का एग्जाम आपका सितंबर में होगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। बिकॉज उनका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आएगा। जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो सितंबर फर्स्ट वीक में, आई थिंक 10 सितंबर तक मेरे को लगता है कि रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सभी जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ था, वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लें, देख लें कि उनका एग्जाम किस शिफ्ट में है ना, और किस डेट में है, वो जरूर चेक करें। और जो एग्जाम दे चुके थे उनके लिए भी खुशखबरी है कि अगर जो डिले हो रहा था वो उनकी वजह से हो रहा था कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ था, जब उनका एग्जाम हो रहा है तो इसका मतलब है प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगी, मतलब रिजल्ट भी जल्दी आएगा और मेंस का एग्जाम भी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। तो अपने आप को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये दोनों के लिए खुशखबरी है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ था उनके लिए एग्जाम हो रहा है, और उनके लिए भी खुशखबरी है कि जब तक उनका एग्जाम नहीं हो रहा था तो मेंस का एग्जाम नहीं हो पाता, अब मेंस का एग्जाम भी होगा और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।